हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस्सा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचरा का 13वां चैप्टर हिमालया। ये जो चैप्टर है वो महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखित महाकाव्य कुमार संभव के प्रथम सर्ग से लिया गया है। और जो ये पद है इसमें हिमालय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आपकी जो बुक है उसमें ये चैप्टर है उसको निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहा गया है। पहला पद है, अस्य उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधि राजा पूर्वा अपरौ तोय निधि बगाय स्थिता पृथिव्या इव मानदंडा। पहले हम करेंगे इसका अन्वय। अस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम देवात्मा नागाधि राजा अस्ति, असौ ब्रैकेट में पूर्वा अपरौ तोय निधि बगाय पृथिव्या मानदंडा इव स्थिता। अब हम करेंगे इसका अर्थ। अस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम देवात्मा नागाधि राजा अस्ति। अस्य उत्तरस्याम, इसके उत्तर दिशा में। किसके उत्तर दिशा में? हमारा जो देश है भारतवर्ष, उसके उत्तर दिशा में। तो भारत के उत्तर दिशा में। तो अस्य उत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में हिमालयो नाम, हिमालय नामक देवात्मा, देवात्मा का संधि विच्छेद होगा, देवा देवता धन आत्मा, तो ये हुआ देवात्मा। तो इसके उत्तर दिशा में हिमालय नामक देवताओं की आत्मा नागाधिराज अस्ति। नागाधिराज कहते हैं पर्वतों का राजा। तो उत्तर दिशा में, इसके उत्तर दिशा में हिमालय नामक देवताओं की आत्मा पर्वतों का राजा स्थित है। तो पर्वतों का राजा मतलब हिमालय पर्वत। और किसके उत्तर दिशा में? भारतवर्ष के उत्तर दिशा में। देवताओं की आत्मा मतलब देवताओं के रहने का स्थान, जहाँ पर देवता लोग निवास कर सकते हैं, तो निवास योग्य स्थान। तो इसके उत्तर दिशा में हिमालय नामक देवताओं की आत्मा पर्वतों का राजा स्थित है। असौ पूर्वा अपरौ तोय निधि भगाय, जो पूर्व और पश्चिम दिशा में, पूर्व अपरौ इसका संधि विच्छेद होगा, पूर्व धन अपरौ पूर्व और पश्चिम में, जो पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित तोय निधि, तोय निधि कहते हैं दोनों समुद्रों को। तो दोनों समुद्रों में, जो पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित दोनों समुद्रों में, बघाय माने धसकर, प्रविष्ट होकर, पृथिव्या पृथ्वी के मानदंडा एव स्थिता, पृथ्वी के मापक पैमाने की तरह स्थिता माने स्थित है। तो मापक पैमाना क्या होता है? जिससे हम पृथ्वी की गहराई को नापते हैं कि पृथ्वी कितनी गहरी है। तो जो ये हिमालय पर्वत है दोनों समुद्रों में इस तरह से धसा हुआ है, इसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पृथ्वी की गहराई को नाप रहा हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ एक बार और देख लेते हैं। इसके उत्तर दिशा में हिमालय नामक देवताओं की आत्मा पर्वतों का राजा स्थित है, जो पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित दोनों समुद्रों में पृथ्वी के मापक पैमाने की तरह प्रविष्ट होकर खड़ा है, अर्थात दोनों समुद्रों के बीच में स्थित होकर पृथ्वी की गहराई को माप रहा है। अगला है, अनंत रत्न प्रभस्य यस्य हिमम न सौभाग्य विलोप जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदो किरणेशु इव अंकहा। तो यहाँ पर जो अन्वय है वो क्या होगा? यस्य अनंत रत्न प्रभस्य हिमम सौभाग्य विलोपी न जातम गुण सन्निपाते ही एकहा दोषः इंदो अंकहा किरणेशु इव निमज्जति। तो इसका अर्थ क्या होगा? यस्य अनंत रत्न प्रभस्य, यस्य माने जिस अनंत रत्न प्रभस्य, प्रभस्य कहते हैं उत्पादक, उत्पन्न करने वाला। तो जिस अनंत रत्नों के उत्पादक, अनंत मतलब बहुत सारे रत्न, तो रत्न क्या होते हैं? हीरे जवाहरात इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो रत्न होते हैं उनको उत्पन्न करता है। वहाँ पर जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर बहुत से इस टाइप के जो रत्न होते हैं वो मिलते हैं। तो जिस अनंत रत्नों के उत्पादक के सौभाग्य विलोपे, सौभाग्य मतलब सौंदर्य को नष्ट करने वाला, विलोपी माने नष्ट करने वाला, हिमम न जातम बर्फ भी, हिमम माने बर्फ और न जातम माने समर्थ नहीं हुआ।
तो जिस अनंत रत्नों के उत्पादक के सौंदर्य को नष्ट करने वाला बर्फ भी समर्थ नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो हिमालय पर्वत है उस पर बहुत सारे रत्नों की उत्पत्ति होती है, लेकिन उस पर क्या है, एक बर्फ जम जाती है। तो बर्फ को यहाँ पर एक दोष माना गया है हिमालय का। तो हिमालय में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक अवगुण है जो कि उस पर बर्फ जम जाती है, लेकिन जो बर्फ है वो भी क्या है, इसके सौंदर्य को नष्ट नहीं कर पाती। तो जिस अनंत रत्नों के उत्पादक के जो सौंदर्य है उसको नष्ट करने वाला बर्फ भी समर्थ नहीं हुआ। तो आगे कहा गया है, गुरु सन्निपाते ही एकः दोषः इन्दो अंकः कृणेषु इव निमज्जति। ही माने निश्चित रूप से, गुरु सन्निपाते गुरुओं के इकट्ठा होने पर, निश्चित रूप से गुरुओं के इकट्ठा होने पर एकः दोषः, एक दोष भी इंदो अंका किरणेशु इब निमज्जति, वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में। किरणेशु इब चंद्रमा की किरणों में अंका माने धब्बा विलीन हो जाता है, निमज्जति माने विलीन हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का जो अर्थ है वो ये है कि अगर किसी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, अगर एक दोष है तो वो दोष जो है उन अच्छाइयों में छिप जाता है, वो दिखाई नहीं देता। जैसे चंद्रमा होता है उसमें क्या होता है, एक धब्बा होता है, लेकिन जो चंद्रमा की किरणें हैं उसकी रोशनी इतनी अधिक होती है, जो ये धब्बा होता है वो दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से जो एक दोष होता है बहुत सारे गुणों के इकट्ठा होने पर, ये दोष किसी को दिखाई नहीं देता। तो बर्फ अगर जम जाती है हिमालय पर्वत पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिमालय का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। तो हिमालय पर्वत पर जो बर्फ जमी है उसके सौंदर्य को, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो महिमा है, उसको कम नहीं कर सकती, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है उस पर बहुत सारे रत्नों की उत्पत्ति होती है। अगला है, अमेखलम संचारताम घनानाम छायाम अधः सानुगताम निषेव्य उत्तेजिता वृष्टिभिः आश्रयन्ते शृगारी यस्यात् पवन्ति सिद्धा। अब हम करेंगे इसका अन्वय। तो अमेखलम संचारताम घनानाम सानुगताम छायाम अधः निषेव्य वृष्टिभिः उत्तेजिता सिद्धा यस्यात् पवन्ति शृगारी आश्रयन्ते। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर जो बादल होते हैं काफ़ी नीचे आ जाते हैं, तो जो तपस्वी लोग होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं बादलों को देखकर, क्योंकि उनको छाया मिलती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि बारिश होने वाली है तो ये तपस्वी लोग घबरा जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो पर्वतों की चोटियां होती हैं वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं, वहाँ पर जाकर तपस्या करते हैं, क्योंकि जो पर्वतों की चोटियाँ होती हैं वहाँ पर बादल नहीं जाते। तो इस तरह से जो ये तपस्वी लोग होते हैं वो पर्वतों की चोटियों पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर धूप मिलती है इनको, और नीचे क्या होते हैं, बादल होते हैं, बारिश होती है। तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा। अमेखलम, अमेखलम कहते हैं मध्य भाग तक, संचारताम माने घूमते हुए, घनानाम माने बादलों की। तो जिसके मध्य भाग तक घूमते हुए बादलों की, सानुगताम छायाम अधा, सानुगताम माने चोटियों पर गई हुई, छायाम अधा, छायाम माने छाया का, अधा माने नीचे, से निषेव्य माने सेवन करके। तो जिसके मध्य भाग तक घूमते हुए बादलों की चोटियों पर गई हुई छाया का नीचे सेवन करके, मतलब उसका सुख पाकर, जो छाया है उसका सेवन करके, मतलब उसका सुख पाकर वृष्टिभिः उत्तेजिता, तो बारिश से घबराए हुए, उत्तेजिता माने घबराए हुए, बारिश से परेशान, तब सिद्धा माने तपस्वी लोग, यस्य आत्पवंती जिसकी, आत्पवंती माने धूप से युक्त, श्रृंगारी माने चोटियों पर, आश्रयन्ते माने आश्रय लेते हैं। तो जिसके मध्य भाग तक घूमते हुए बादलों की चोटियों पर गई हुई छाया का नीचे सेवन करके, छाया का सुख पाकर, बारिश से घबराए हुए तपस्वी लोग, जिसकी धूप से युक्त चोटियों पर आश्रय लेते हैं, मतलब जो धूप से युक्त चोटियां होती हैं पर्वतों की, जो चोटियां होती हैं काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, वहाँ पर धूप खिली होती है, जो बादल होते हैं काफ़ी नीचे होते हैं, तो ये तपस्वी लोग घबरा जाते हैं बारिश से,
तो ये तपस्वी लोग क्या करते हैं, जो चोटियां हैं वहां पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी तपस्या पूरी करते हैं। अगला है कपोल कंडू कर भी बिने तुम विघटता नाम सरल दुर्माराम यत्र श्रुत क्षीरतया प्रसूता सानुनी गंधा सुरभि करोति। तो इसका अन्वय क्या होगा, यत्र कपोल कंडू बिनेतुम कर भी विघटता नाम सरल दुर्माराम श्रुत क्षीरतया प्रसूता गंधा सानुनी सुरभि करोति। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यत्र यत्र माने जहाँ, कपोल कंडू, कपोल माने कनपटी, कंडू माने खुजली, जहाँ कनपटी की खुजली बिनेतुम माने मिटाने के लिए कर भी हाथियों के द्वारा विघटता नाम रगड़े हुए सरल दुर्माराम देवदार के, सरल दुर्माराम माने देवदार के वृक्षों का। तो यत्र कपोल कंडू जहाँ कनपटी की खुजली बिनेतुम माने मिटाने के लिए कर भी हाथियों के द्वारा विघटता नाम रगड़े हुए सरल दुर्माराम देवदार के वृक्षों का श्रुत क्षीरतया, श्रुत क्षीरतया माने दूध निकलने से, प्रसूता माने उत्पन्न हुआ, गंधा माने गंध, सानुनी, सानुनी कहते हैं चोटियों को, सुरभि करोति माने सुगंधित कर देता है। जहाँ कनपटी की खुजली मिटाने के लिए हाथियों के द्वारा रगड़े हुए देवदार के वृक्षों का दूध निकलने से उत्पन्न हुआ सुगंध पर्वत की चोटियों को सुगंधित कर देता है। तो यहाँ पर क्या मतलब है कहने का, कि जो हाथी होते हैं उनकी जब कनपटी पर खुजली होती है तो जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ देवदार के वृक्ष होते हैं, तो जो हाथी होते हैं देवदार के वृक्ष पर अपनी कनपटी को रगड़ते हैं खुजली मिटाने के लिए। तो जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, देवदार का जो वृक्ष है उसमें से एक दूध की तरह पदार्थ निकलता है। तो जो ये पदार्थ होता है इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो इस खुशबू से क्या होता है, जो पर्वत की चोटियां हैं वो सुगंधित हो जाती हैं। तो ये जो खुशबू है पर्वत की चोटियों को सुगंधित कर देती है, सब तरफ खुशबू फैल जाती है। तो जहाँ कनपटी की खुजली मिटाने के लिए हाथियों के द्वारा रगड़े हुए देवदार के वृक्षों का दूध निकलने से उत्पन्न हुआ सुगंध पर्वत की चोटियों को सुगंधित कर देता है, सुरभि करोति माने सुगंधित कर देता है, सानुनी माने पर्वत की चोटियां, गंधा माने सुगंध। अगला है दिवाग्रात रक्षति यो गुहासु लीनम दिवाभीतम अंधकारम क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चै शिरसाम सति इव। तो यहाँ पर क्या कहा गया, तो पहले इसका करेंगे अन्वय। या दिवाभीतम इव गुहासु लीनम अंधकारम दिवाग्रात रक्षति ब्रैकेट में एतत् क्षुद्रे अपि शरणम प्रपन्ने सति नूनम उच्चै शिरसाम ममत्वम इव ब्रैकेट में प्रतीयते। तो क्या होगा इसका अर्थ, यह माने जो, दिवा भीतम एव, दिवा माने दिन, भीतम माने डरे हुए, जो दिन से मानो डरे हुए गुहासु लीनम गुफाओं में, लीनम माने छिपे हुए, अंधकारम अंधकार की, दिवाग्रात रक्षति सूर्य की किरणों से रक्षा करता है, जो दिन से मानो डरे हुए गुफाओं में छिपे हुए अंधकार की सूर्य की किरणों से रक्षा करता है। कौन करता है, हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत है उसमें क्या है, गुफाएं होती हैं और गुफाओं के अंदर अंधकार होता है। तो ये माना जा रहा है कि जो अंधकार है वो सूर्य की किरणों से छुप कर गुफाओं के अंदर बैठ गया है और जो पर्वत है वो उसकी रक्षा कर रहा है। तो जो दिन से मानो डरे हुए गुफाओं में छिपे हुए अंधकार की सूर्य की किरणों से रक्षा करता है। एतत् क्षुद्रे अपि शरणम प्रपन्ने, यह क्षुद्रे अपि, क्षुद्रे माने नीच के भी, अपि माने भी, यह नीच के भी शरणम प्रपन्ने शरणागत होने पर सति नूनम मानो निश्चय ही उच्चै शिरसाम ऊँचे सिर वालों अर्थात महापुरुषों का
ममत्वम इ प्रतीयते, उनके प्रति ममत्व माने स्नेह व्यक्त हो रहा है, स्नेह प्रतीत हो रहा है। तो जो दिन से मानो डरे हुए गुफाओं में छिपे हुए अंधकार की सूर्य की किरणों से रक्षा करता है, यह निश्चय से नीच के भी शरणागत होने पर मानो ऊंचे सिर वालों अर्थात महापुरुषों का उनके प्रति स्नेह व्यक्त हो रहा है। तो जो महापुरुष होते हैं तो उनकी शरण में कोई भी आ जाता है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे नीच हो, चाहे कैसा भी हो, वो उनकी रक्षा करते हैं। शरणागत माने कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी हो जो अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, तो मतलब कहलाता है कि वो उसकी शरण में आया है। तो जो पर्वत है हिमालय पर्वत, वो सभी की रक्षा करता है। तो हिमालय पर्वत है उसमें गुफाएं हैं, और गुफाओं के अंदर क्या होता है, अंधकार होता है। तो ये माना जा रहा है कि जो अंधकार है वो दिन से डर गया है, सूर्य की किरणों से डरकर वो गुफा के अंदर बैठ गया है। तो जो हिमालय पर्वत है वो इस तरह से जो गुफाएं हैं उनके अंदर छुपाया हुआ है उसने अंधकार को, और सूर्य की किरणों से उनकी रक्षा कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने आपको इसका सारांश बताया है, एक बार आप इसको सुन लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असह एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।